नमस्कार दोस्तों, डिवाइन भूतिया खानी में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे एक ऐसे हादसे की कहानी जो लोगों के लिए आज तक रहस्य बना हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल का वह राज जिसने कई सारे एयरप्लेन सहित लोगों को अपने राज का शिकार बना लिया। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, एक विशेष क्षेत्र है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। यह क्षेत्र एक समुद्री त्रिकोणीय क्षेत्र को परिभाषित करता है, जिसका एक कोना मायामी फ्लोरिडा, दूसरा कोना बरमूडा और तीसरा कोना प्योर्टो रिको के बीच है। 7 दिसंबर 1942 दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर है। फ्लोरिडा के नेवल एयरबेस से 5 एवेंजर बॉम्बर्स निकलते हैं। ये एक ट्रेनिंग मिशन पर जा रही है जिसका नाम 19 है। इस ट्रेनिंग मिशन का उद्देश्य एयर नेविगेशन और बॉम्बिंग अभ्यास का प्रैक्टिस करना है, जो कि रूटीन प्रैक्टिस है। फ्लाइट 19 मिशन की टीम में कुल 40 नेवल एविएटर हैं, जिसमें एक सीजन इंस्ट्रक्टर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर भी शामिल है। इस मिशन को एक पूर्व निर्धारित रूट को फॉलो करना है, जिसमें पायल्स को एक आर्टिफिशियल आइलैंड स्पॉट करना है, जिसे के नाम से जाना जाता है। पायल्स को वहां से दूसरे पूर्व निर्धारित पॉइंट्स पर जाना है, जो उनकी नेविगेशन कौशल को और भी बेहतर बनाने के लिए सेट किए गए हैं। इस ट्रेनिंग मिशन का मुख्य उद्देश्य है पायल्स को रियल लाइफ स्थितियों में डालकर उनकी तैयारी को टेस्ट करना। फ्लाइट 219 अपना मिशन शुरू करते हैं। सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ ऑन रूटीन है। फ्लाइट 19 अब नॉर्थ अटलांटिक पोषण के ऊपर से फ्लाइट करने लगता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद कम्युनिकेशन में गड़बड़ होने लगता है। कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देता है। पायल्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संवाद में गड़बड़ होने लगती है। फ्लाइट 219 अपना मिशन शुरू करते हैं। सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ ऑन रूटीन है। फ्लाइट 19 अब नॉर्थ अटलांटिक पोषण के ऊपर से फ्लाइट करने लगता है, लेकिन थोड़े ही समय बाद कम्युनिकेशन में गड़बड़ होने लगता है। कंप्यूटर अपना काम करना बंद कर देता है। पायल्स और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संवाद में गड़बड़ होने लगती है। पायल्स और ग्राउंड कंट्रोल के लिए रेडियो ट्रांसमिशन में एरर आने लगते हैं, जो एक ट्रेनिंग मिशन के लिए अज्ञात और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो कि फ्लाइट लीडर है, खुद भी भ्रमित होकर अपने पोजीशन को गलत समझने लगते हैं। टेलर के रेडियो ट्रांसमिशन में टेंशन और भ्रम साफ सुनाई देने लगता है। उनके कहने पर हम बहुत दूर जा चुके हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कम्युनिकेशन एरर और उपकरण की खराबियों से फ्लाइट 19 के पायल्स के बीच भ्रम बढ़ने लगता है, और एक बार में उन्हें उनके साथी पायलट के साथ मिलने में भी दिक्कत आने लगती है। यह प्रत्याशी और क्रिटिकल स्थिति उन्हें एक अज्ञात स्थिति में ले आती है। आखिरी रेडियो संवाद में पायलट की आवाज में टेंशन और भ्रम साफ सुनाई देता है। वह कहते हैं कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा और उन्हें कोई भी पहचाने जाने योग्य लैंडमार्क नहीं दिखाई दे रहा। यह था अंतिम समय जब पायलट अपने दोस्तों, अपने बेस से अलग अकेला महसूस कर रहे थे। वहीं कुछ और सिग्नल्स भी आते हैं, जिनमें से कुछ पायलट कह रही हैं कि वे गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर हैं। व्यक्ति कुछ और बन रहे हैं, ये अटलांटिक पोषण में है। इसके बाद रेडियो साइलेंस हो जाती है और फ्लाइट 19 कभी भी वापस नहीं आता। नौसेना प्रशिक्षण मिशन, जिसे रूटीन प्रैक्टिस के लिए डिजाइन किया गया था, अचानक एक रहस्यमय हादसा बन गया था। ये रहस्यमय तरीके से फ्लाइट 19 का गायब हो जाना सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के दौरान जब दूसरा प्लेन भेजा जाता है फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए, तो यह भी गायब हो जाता है। इस पॉइंट पर नौसेना प्राधिकृत और सर्च टीम का यकीन खत्म हो जाता है। यह एक अभूतपूर्व और हैरतंगेज हादसा बन जाता है। कई विमान और प्रशिक्षित सर्च टीम ने कोई स्थिर सुराग नहीं जुटा पाए आज तक। फ्लाइट 19 की गायबियों का कोई ठोस कारण नहीं मिला है। कई सिद्धांत आए हैं, जैसे कि चुंबकीय अनूठाएं और पायलट की गलती, लेकिन कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं है। इस हादसे ने एविएशन हिस्ट्री में एक अनोखा अध्याय बनाया है, जिसका राज आज तक सुलझा नहीं गया है।
इस कहानी ने दिखाया कि कभी कभी हमारी समझ से परे भी चीजें होती है जो हमें आज तक समझ नहीं आई है। फ्लाइट 19 का राज आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है जो हमारे दिमाग में छुपा हुआ है। क्या यह राज कभी खुलेगा, ये तो समय ही बताएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।